A very good morning to all students. Hope you all are fine at home. So our next chapter is Coco makes friends. है ना, ये कोको ने क्या बनाए, फ्रेंड्स बनाए. कोको कोको देखते हैं किसका नेम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख, यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, ये पहले सॉल्व करते हैं. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शेयर विद फ्रेंड्स, टिक द पिक्चर्स. आपको ये देखो बेटा, 9 पिक्चर्स गिवन है, अपने उन पिक्चर्स पे टिक करना है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो. ठीक है, यू शेयर केक, चोकोपाई, बुक्स, पेस्ट्री, पेंसिल्स, एनी थिंग लाइक कलर्स, जो भी आप शेयर करते हो ना बेटा, स्वीट्स, तो आप उन चीज़ों को टिक करोगे. नॉट डिपेंडिंग ऑन कि मैम ने ये टिक किया है तो वही करना है, नो, इट्स योर चॉइस. ठीक है, जिस पे भी आप टिक करना चाहते हो वहाँ टिक करो, विच यू शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, सी हियर द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 39. ठीक है, लेट अस रीड दिस स्टोरी. इट्स अ स्टोरी. ओके, सो लेट्स रीड द होल स्टोरी इज दिस. ठीक है, एंड दीज वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, व्हेन वी विल डू दिस वर्ड इन द स्टोरी देन वी विल रीड दिस वर्ड्स. कोको इज अ प्राउड डॉग. कहते कोको क्या है, एक कोको क्या है बेटा, नेम ऑफ अ डॉग. कोको क्या है, एक प्राउड डॉग है. प्राउड डॉग क्या होता है, जिसको ये फील होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना. जैसे आप अगर क्लास में फर्स्ट आते हो तो आपको बहुत प्राउड होता है, अपनी पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि आप फर्स्ट आए हो. अब उनकी बात मानते हो अपने पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को प्राउड फील होता है ना कि आपने उनकी बात मानी, तो ये क्या होता है, प्राउड. ऐसे कोको भी बहुत प्राउड डॉग था. ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा था. ही नेवर प्लेज विद स्ट्रीट डॉग्स. कहते जो देखो बाहर गली में घूमते हैं ना डॉग्स, उनके साथ वो कभी नहीं खेलता था. देयर आर वेरी डर्टी ही सेज. वो क्या कहता था कि वो सारे डॉग्स क्या हैं, डर्टी हैं, गंदे हैं. बेटा जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है वो गंदे होते हैं ना, क्योंकि वो कभी यहाँ पानी में चले जाते हैं, कभी किसी जगह चले जाते हैं, इसलिए वो डर्टी होते हैं. वन डे कोको इज अलोन एट होम. तो एक दिन क्या हुआ, कोको अकेला था घर पे. कोको क्या था, बिल्कुल अलोन. मीन्स अलोन का मतलब क्या होता है बेटा, अकेला. कि कोको घर पे अकेला था. अ थीफ गेट्स इन टू द हाउस. थीफ मतलब क्या होता है बेटा, चोर. एक चोर घर पे आ गया. कोको बार्क्स. बार्क्स मतलब भौंकना, है ना. डॉग होता है, डॉग की साउंड होती है ना बेटा, बार्क करना. सो सिमिलरली डॉग बार्क्स, द कोको बार्क्स. ठीक है, द थीफ पिक्स अप कोको. थीफ ने देखो क्या किया, उसको कोको को पिक किया, उसको कोको को उठाया. पिक्स का मैंने आपको पहले भी मीनिंग समझाया था ना बेटा, फर्स्ट डे एट स्कूल में, कि उसने अपनी बॉटल एंड बैग पिक किया. सो सिमिलरली पिक मतलब उठाना, तो उसने भी कोको को पिक कर लिया. ही पुट्स him into a sack. उसने उसको कहाँ रख दिया, sack में. sack क्या होता है बेटा, बोरी. ठीक है, बहुत बड़ा बैग होता ना, बोरी आप कह देते हो इन हिंदी, वो यूजली से बोरा, बोरी. ठीक है, जिसमें आप कनक वगैरह रखते हो, ग्रेन्स रखते हो. सो उसी तरह के बैग में उसको डाल दिया उसने. ठीक है, कोको को उसने बंद कर दिया. सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30, 40, सॉरी. कोको बार्क्स मोर. कोको ने और भी ज़्यादा बार्क करना शुरू कर दिया. द स्ट्रे डॉग्स हियर हिज बार्क्स. अब स्ट्रे डॉग्स कौन से होते हैं बेटा, जो गली में घूमते हैं ना, जो स्ट्रीट पे घूमते हैं डॉग्स, उनको हम कहते हैं स्ट्रे डॉग्स, कि जिनका कोई घर नहीं होता, है ना. हर एक डॉग का घर नहीं होता ना, कुछ डॉग्स का ही होता है घर, जिनको हम अपने पास रखते हैं. अदरवाइज बाकी डॉग्स क्या हैं, स्ट्रे होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं जिनका अपना घर नहीं होता. तो जो स्ट्रे डॉग्स थे ना, उन्होंने जो कोको था, कोको की आवाज़ सुन ली, वो भौंक रहा था, कोको की आवाज़ सुन ली. दे रश इन टू द हाउस. रश मतलब भाग के आना, एकदम से रश करके आ गए वो घर पे. रश मीन्स भाग कर आना. दे बाइट द थीफ. बाइट मीन्स उसको तीत से बाइट कर लिया, है ना. आप खाते हो ना खाना, वो क्या होती है, बाइट होती है ना, बाइट खाते हो, ऐसे उसने उसको बाइट कर लिया थीफ को. ठीक है, चक पा लिया जो आप कह देते हो. ठीक है, उसको बाइट कर लिया. द थीफ ड्रॉप्स द सैक. ठीक है, जैसे आपको देखो अगर कोई बाइट करेगा तो आपको दर्द होगा ना, ऐसे ही थीफ को भी दर्द हुआ जैसे बाइट किया एकदम से. तो थीफ के जो हैंड में सैक था,
दैट इज सैक ने उसने क्या बंद किया हुआ था, डॉग को, है ना, कोको को, वो एकदम उसके हैंड से छूट गया। ड्रॉप्स मीन्स छूट जाना, नीचे गिर जाना, ड्रॉप का मीनिंग, ठीक है, कोई नीचे चीज़ गिर गई, तो वो नीचे गिर गया। ही रन्स अवे और कोको उसमें से निकल के भाग गया। कोको इज सेव्ड, कोको अभी क्या है, सेव्ड है, सेव्ड मतलब अब वो ठीक है, अब वो बच गया। ही बिकेम फ्रेंड्स विद, अब वो किसका फ्रेंड्स बन गया, स्ट्रे डॉग्स का फ्रेंड बन गया। देखो जैसे जब आप किसी फ्रेंड्स के साथ नहीं बातें करते हैं ना, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, अगर आपका फ्रेंड आपकी हेल्प, कोई भी आपका क्लासमेट आपकी हेल्प करता है, तब आप उसके फ्रेंड बन जाते हो ना, कि ये तो मेरी हर बात पे हेल्प करता है, वो आपका फ्रेंड बन जाता है। ऐसे बेटा जो कोको था उसका भी वो फ्रेंड बन गया था, ठीक है, स्ट्रे डॉग्स थे ना जो उसके, वो सारे उसके फ्रेंड्स बन गए थे, ठीक है। ही प्लेज विद देम नाउ, अब वो उनके साथ प्ले करता था। ओके सो दिस वाज द स्टोरी कोको मेक्स फ्रेंड्स, कि कोको ने फ्रेंड्स कैसे बनाए। ओके सो रीड दिस स्टोरी एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा।